जी बिल्कुल, जो डोमेस्टिक सीज़न मेरा इस सीज़न जो अच्छा गया उसी की वजह से ही आईपीएल में चांस मिला और वहीं से ही शायद उन्होंने मुझे पिक किया। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। जिस तरीके से लगातार हम आपको आईपीएल की कवरेज दिखाते रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में मेवात का शहबाज अहमद ने जिस तरीके से मैचों में प्रदर्शन किया और लगातार जिस तरीके से मेवात की जनता ये आस लगाए बैठी थी कि कहीं ना कहीं मेवात का ये लाल अपना जलवा बिखेरेगा और कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करेगा तो मेवात का नाम रोशन होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एक गली मोहल्लों से खेलते हुए और असुविधाओं से लेस मेवात का किसी तरीके से कोई क्रिकेट से जुड़ाव नहीं था और यहाँ सही तरीके से वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, यहाँ किसी तरीके कोई ग्राउंड भी नहीं है, कोच वगैरह भी नहीं है, और उसके बावजूद एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट खेलना अपने आप में कहीं ना कहीं गौरव की बात है। हमारे साथ शहबाज अहमद जुड़ रहे हैं जो कि आईपीएल खेलने के बाद पहली दफ़ा मेवात की ओर शिरकत किया है और मेवात की जनता ने इनको पलकों पर बिठाया है। आखिर बिठाए भी क्यों नहीं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद आज मेवात की ओर रवाना हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आईपीएल खेलने के बाद और मेवात में जब आपको लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और उसके बाद मेवात के लोगों ने जिस तरीके से आपको प्यार और तवज्जो दी? मेवात के लोग हमेशा से ही बहुत प्यार मिलता रहा है उनसे, और अभी अब आईपीएल खेलने के बाद तो काफ़ी इज्जत मिला है, तो उसके लिए मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप फ्लाइट से उतरे उसके बाद से ही मेवात के जो नौजवान हैं और जिन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेली है वो भी लगातार जुड़े रहे, और मेवात में जब आप आए तो लोगों ने आपको सराखों पर बैठा लिया, उसके बाद किस तरीके से देख रहे हैं आईपीएल का जो आपका सेशन रहा था उसमें किस तरीके से आपने वो टाइम स्पेंड किया खिलाड़ियों के साथ, और जो आपको मौका मिला उसके बाद में किस तरीके से आपने उस पल को जिया जब आपको मौका मिला? जी, काफ़ी प्राउड की बात थी विराट कोहली और एबीडी विलियर्स जैसे प्लेयरों के साथ खेलना, जो कि आरसीबी टीम के उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली हैं, बहुत मेरे आने वाले करियर में काफ़ी मदद करेंगी वो चीज़ें, और अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने की जो मुझे ज़रूरत है और उन पर मैं पूरी मेहनत करूँ। अच्छा, जब आपने डेब्यू किया, जब आपको पहला मैच खेलने का मौका मिला तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? ग्राउंड पर उतरने के बाद कितना दबाव आपके ऊपर था? जी, जो डेब्यू मैच था उससे पहले काफ़ी मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैच में जाने के बाद वो नर्वसमेंट जो थी वो नहीं थी, क्योंकि उससे पहले हम पूरा एक महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे और उन्हीं चीज़ों को गेम में करना था, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस अच्छा था उस ग्राउंड में जाने के बाद। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में किसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी? ड्रेसिंग रूम में नवदीप सैनी, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, एरन फिंच और मॉरिस, इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। अच्छा, आपके करियर पे पहले चलना चाहेंगे, थोड़ा पहले जब आपने स्ट्रगल किया, जब आपने रणजी लेवल का मैच खेले थे तब आपकी इंजरी वगैरह भी हुई थी आईपीएल से पहले, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, रणजी ट्रॉफी के सीज़न से पहले मेरा शोल्डर डिसलोकेशन का थोड़ा इंजरी हुआ था, काफ़ी मेजर इंजरी था, लेकिन आईपीएल में जाने से पहले अप्रैल में मैंने उसका सर्जरी कराया, तो अभी अल्लाह के शुक्र से अभी सभी ठीक है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। कहाँ तक देख रहे हैं आईपीएल में जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो, उससे पहले कौन सी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रही जो चयनकर्ताओं पर जिसकी नज़र पड़ी और आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिला? जी बिल्कुल, जो डोमेस्टिक सीज़न मेरा इस सीज़न जो अच्छा गया उसी की वजह से ही आईपीएल में चांस मिला और वहीं से ही शायद उन्होंने मुझे पिक किया। अच्छा, मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आपने मैच खेले, विजय हजार में भी खेले, सबसे ज़्यादा प्रभावित आपने कौन से टूर्नामेंट में किया? सबसे अच्छा जो मेरा टूर्नामेंट इस सीज़न गया वो रणजी ट्रॉफी था, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ था, तो वो मेरे लिए प्राउड की बात है। अच्छा, आपने ज़्यादा मौका ना मिलने की क्या वजह रही आपको? दुबई में जो विकटें थी इस साल काफ़ी अच्छी विकटें थी, वहाँ पे तीन स्पिनरों का एक साथ खेलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और चहल भाई काफ़ी अच्छी बॉल डाल रहे थे नो डाउट, तो उसी की वजह से थोड़ा कम चांस मिला, इंशाल्लाह आगे अच्छा चांस मिल सकता है। अच्छा, आईपीएल में आपको बल्लेबाजी करने का ज़्यादा मौका ना मिला, इसका कोई अफसोस नहीं? वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ टीम को बेटर लगे वहाँ पे पोजीशन पे उस वो बैटिंग दे सकते हैं, वो ठीक है, वो आगे फ्यूचर में अच्छा हो जाए। अच्छा, जब कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, जब ड्रेसिंग रूम में आप खड़े थे कोहली के साथ में, उस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था?
उस टाइम पे मैच बहुत अच्छा चल रहा था राजस्थान के अगेंस्ट, तो बहुत क्रूशल मैच था हमारे लिए, और वहाँ पे एबी भाई वो बैटिंग कर रहे थे, तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इस ओवर में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उस यही डिस्कशन हो रहा था बस। अच्छा, बेबात के युवाओं को, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके अंदर क्रिकेट का जुनून है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन को वो सुविधाएं नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है, किस तरीके से वो आगे जाएं, उनका लिए क्या संदेश देंगे आप? जी, पहले काफ़ी प्रॉब्लम होता था मेवात वाले प्लेयरों के लिए कि क्रिकेट खेलने में, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हो गई हैं। नूह में भी अकेडमी खुली है अभी, वहाँ भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो जो लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं तो अभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तो मेवात के प्लेयर अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कितना दिन मेवात में रहेंगे और उसके बाद में कौन सा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं आगे? जी, अभी उम्मीद है कि एक वीक घर पे ही रहूँगा, क्योंकि वो प्रोसेस है क्वारंटाइन का भी, और उसके बाद जो हमारी बेंगाल की टीम है उसका कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ कोलकाता जाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ शहबाज अहमद, जो आईपीएल खेलने के बाद पहली बार मेवात की तरफ आए हैं और 7 दिन यहाँ रहेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ से वो बंगाल क्रिकेट क्लब की टीम की तरफ से खेलेंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार आईपीएल में उनको खिलाया गया और कुछ मौके कम मिले, उसके बावजूद अगर आगे मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।